जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PPS के थ्रू DSP बनना और IPS के थ्रू DSP बनने में क्या अंतर होते हैं। इन दोनों पोस्ट सेम होती हैं, लेकिन फिर अंतर क्या होता है। एक व्यक्ति जो PPS के थ्रू DSP बना हो और एक IPS के थ्रू DSP बना हो, तो चलिए सबसे पहला अंतर हम जानते हैं। सबसे पहला अंतर तो यही हो जाता है एग्ज़ाम का अंतर। अगर आपको PPS के थ्रू DSP बनना है तो आप जिस राज्य में DSP बनना चाहते हैं उस राज्य के PSC का एक सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है उस राज्य में, वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपके लिए, अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस सही है, तब आपके लिए DSP का पद या DSP की पोस्ट मिल सकती है। और वहीं पर अगर आपको IPS के थ्रू DSP बनना है तो दोस्तों UPSC के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है वो आपको देना होगा। और अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस सही है तब दोस्तों आप IPS बन सकते हैं, और ये डिफेंड रैंक पर भी करता है। अब बात करते हैं कि और क्या अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों एक अंतर ये होता है कि जहाँ पर आप PPS के थ्रू DSP बनते हैं तब दोस्तों आपके लिए लंबे समय तक DSP के पद पर रहना होता है, और वहीं जब आप IPS के थ्रू DSP बनते हैं तो वो कुछ ही समय के लिए आपको रहना पड़ेगा। IPS के लिए DSP तब बनाया जाता है जब वह डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पर होता है। यह डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसका जो प्रदर्शन होता है, उसका जो परफॉर्म होता है वो सही नहीं होता है, तो उसके लिए फिर से कुछ समय के लिए DSP भी बनाया जा सकता है। उसके बाद उसके लिए ASP की पोस्ट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप PPS के थ्रू DSP बनते हैं तब आपके लिए बहुत लंबे समय तक 10 साल 12 साल 15 साल तक DSP के पद पर ही रहना होगा, उसके बाद ही आपका प्रमोशन हो पाएगा। तो दो अंतर ये हो गए सबसे विशेष। तीसरा अंतर ये होता है कि जो व्यक्ति PPS के थ्रू DSP बनेगा तो उसके सोल्जर पर, उसके कंधे पर उस राज्य की पुलिस, मतलब वो जैसे कि उत्तर प्रदेश का है तो लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस UPP। लेकिन जो व्यक्ति IPS के थ्रू DSP बनता है तो उसके सोल्जर पर, उसके कंधे पर लिखा होगा IPS ही लिखा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चौथा एक अंतर बहुत ही स्पेशल है। जो अंतर ये है कि अगर आप PPS के थ्रू DSP बनते हैं और आप कोई भी गलत काम करते हैं अपने पद पर रहते हुए, तब दोस्तों आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड भी कर सकती है और टोटल नौकरी से निकाल भी सकती है। वहीं पर अगर आप IPS के थ्रू आप DSP हैं और आपने कोई भी गलत काम किया है अपने पद पर रहते हुए, अपनी पोस्ट पर रहते हुए, तब दोस्तों केवल स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए सस्पेंड कर सकती है, टोटल नौकरी से केवल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही निकालेगी। तो दोस्तों एक IPS के थ्रू DSP और PPS के थ्रू DSP अगर आप बनते हैं तो ये भी एक विशेष अंतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और अंतर पर नज़र डालें तो एक अंतर ये भी है कि अगर आप IPS के थ्रू DSP बने हैं तो दोस्तों आपका कैडर चेंज भी हो सकता है, मतलब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी सर्विस दे सकते हैं, या दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए अपने जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एजेंसियाँ हैं उनमें भी बुला सकती है। लेकिन वहीं पर जब आप PPS के थ्रू DSP बनते हैं तो दोस्तों आपको, जब तक आप PPS ऑफिसर हैं तब तक आपको उसी राज्य की पुलिस में काम करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेशल अंतर जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।